हेलो जी, नमस्ते। छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय चौहान और आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक और नई भर्ती की नई नोटिफिकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेखपाल, सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। कौन से विभाग के अंतर्गत लेखपाल, सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति की भर्तियाँ की जाएंगी, लेखपाल, सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति की भर्ती के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कब से लेकर के कब तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां निकाली गई हैं और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरण के बारे में तो लेखपाल की 1 पदों पर जो है भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें आपको 20,200 रुपये का प्रतिमा जो है वेतन दिया जाएगा, साथ ही साथ 2400 रुपये का आपको ग्रेड पे वेतन जो है देखने को मिलेगा। 1 पद की इस भर्ती में जो है महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदकों की न्यूनतम जो उम्र सीमा है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र सीमा है 65 वर्ष से अधिक की जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वहीं बात करें लेखपाल की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो यहाँ पर बताया गया है कि सेवानिवृत्त लेखपाल अथवा सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि 5 वर्षों का लेखा कार्य का जो है आपके पास अनुभव होना जरूरी है। वहीं दूसरे नंबर के जो पद है सहायक ग्रेड 3 की, जिसमें 2 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी, 14,200 रुपये का प्रतिमाह एक मुश्त वेतन जो है देखने को यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 को मिलेगा। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी जो उम्र सीमा है 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में जो है यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट देखने को जो है यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता की, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्थात 10+2 की जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग की जो स्पीड है 5,000 की रिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए, तब आप सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 3 की 2 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं तीसरे नंबर के जो पद है वृत्ति की, जिसमें केवल 1 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी, 11,360 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन जो है देखने को यहां पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी वृत्ति के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी जो उम्र सीमा है 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में जो है यहाँ पर होनी चाहिए। वहीं बात करें वृत्ति की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने की आपके पास डिग्री है, आप वृत्ति की 1 पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। बात करें भर्ती के बारे में तो कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं और इस पद की भर्ती के लिए उम्मीदवार जो है 13 तारीख 2 महीने 2024 से लेकर के 5 तारीख 3 महीने 2024 तक जो है ऑफलाइन के माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से 3 पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी लेखपाल के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहां पर करेंगे तो लेखपाल के लिए जो है यहां पर सेवानिवृत्त अभ्यर्थी ही जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बाकी 2 अलग अलग जो कैटेगरी रखे गए हैं, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 के लिए और वृत्ति के लिए फ्रेशर अभ्यर्थी ही जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। केवल लेखपाल के लिए जो है यहाँ पर बता दें कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सेवानिवृत्त कर लिए हैं वे अभ्यर्थी ही जो है लेखपाल के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति के पद के लिए जो है कोई भी फ्रेशर अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर 50% अंक दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें आपकी कंप्यूटर पर जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिस पर 50 अंक जो है आपसे निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आप किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला उम्मीदवार हैं या फिर पुरुष उम्मीदवार हैं, दोनों ही तरह के अभ्यर्थी जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहां पर कर पाएंगे। साथ ही साथ
दूसरी जो पद निकाली गई है भृत्य की, जिसके लिए यहाँ पर बता दें कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई पेपर या परीक्षा जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों का जो मेरिट सूची है आपकी शैक्षणिक योग्यता पर प्राप्त अंकों के आधार पर जो है बनाया जाएगा और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको बंद लिफाफे में करना होगा। आवेदन आप पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497229 के पते पर जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 तारीख तीसरे महीने 2024 तक की जो है यहाँ पर रखी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, साथ ही साथ ऑफिशियल पीडीएफ की फाइल और आवेदन पत्र का प्रारूप जो है आपको मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में।